हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरहदी रेगिस्तानी इलाके में कुदरत ने भले ही कोई रंग नहीं भरा, लेकिन यहाँ के हुनरमंद हाथों से उकेरे गए नायाब हस्तशिल्प के नमूने आज विश्व भर में पहली पसंद बनते जा रहे हैं। सरहदी गांव में हस्तशिल्प का काम पहले से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र थे, लेकिन अब सरहदी क्षेत्र में हस्तशिल्प के कई नवाचार हो रहे हैं जिनकी मांग मेट्रो में तेजी से बढ़ रही है। हम बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे दस्तकारों द्वारा इन दिनों बनाए जा रहे अनूठे काशीदाकारी वाले छातों की। इन छातों की खासियत यह है कि इनके नीचे एक दर्जन के करीब लोग खड़े हो सकते हैं। हालांकि इन छातों का उपयोग बरसात में तो नहीं हो सकता, वहीं कीमत की बात करें तो इनकी कीमत 6 से 10 हजार के बीच है। एक छाते को बनाने में 5 कारीगरों को तकरीबन 1 सप्ताह लग जाता है। पाकिस्तान के सिंध से हिंदुस्तान के सरहदी इलाकों में बसे इन हुनरमंदों के हाथ से बने इन छातों की डिमांड इन दिनों देश के मेट्रो शहरों के अलावा विदेशों में भी होने लगी है। इन छातों को बनाने वाले दस्तकार बताते हैं कि जैसे जैसे हस्तशिल्प में नवाचार हो रहे हैं, वैसे वैसे बाड़मेर के हस्तशिल्प की मांग तेजी से। इसी हस्तशिल्प से आज हजारों लोगों को रोजगार मिला है। मतलब ये अपने आप में अनूठी छतरियां जो दो बनाई है जी, वजह क्या बनाने के पीछे जी? वजह 10 रुपए मजदूरी कमाने के लिए। तब लोगों को दिखाते हो तो इसको लेके डिमांड बढ़ रही है? डिमांड बढ़ रही है, लोग ले रहे हैं, लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये दो बनाई है, आगे भी अगर ग्राहक कोई मांगेगा तो बनाएंगे। तो और क्या क्या छतरी के अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो बना रहे? छतरी के अलावा हम कुशन कवर बनाते हैं, बेडशीट बनाते हैं और वॉल हैंगिंग बनाते हैं। कितने परिवार हैं आसपास के लोगों के जो इससे जुड़े हुए हैं? काफ़ी लोग हैं गांव में, काफ़ी लोग सब यही काम कर रहे हैं मोहल्ले पूरे में, और हम यहाँ पे काम कारीगर 5 करने वाले हैं। मतलब खेतीबाड़ी के अलावा जो काम है मुख्य व्यवसाय जो है वो हस्तशिल्प का है यहाँ पे? हाँ, हस्तशिल्प का है। खेतीबाड़ी तो काफ़ी सालों से होती नहीं है, अकाल ही अकाल है। इस बार अकाल आ गया है तो इसी पे लोग मतलब निर्भर है। अच्छा, मुख्य पैसा यही है? बस मुख्य पैसा यही है, इसमें मजदूरी मिल जाती है अच्छी सबको, रोजी रोटी कमा लेते हैं मतलब। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।